झारखंड की हेमंत सरकार महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देने की बात करती है, लेकिन ये वही झारखंड है जहां महिलाओं के साथ दुराचार का मामला लगातार जारी है। बीते दिनों दुमका में जहां अंकिता को पेट्रोल से छिड़क कर आग के हवाले कर दिया गया, उसकी मौत हो गई और अब फिर से एक मामला सामने है। दरअसल दुमका का ही ये मामला है, यानी उप राजधानी दुमका का मामला है, जहां मारुति कुमारी को बीते दिन किसी लड़के द्वारा पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया गया और आज रांची के रिम्स अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मारुति कुमारी की रिलेशन में कुछ लोग हैं यहाँ, इन लोगों से जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, क्या हुआ था बीते दिन, कौन पेट्रोल छिड़का था, कैसे ये सारी घटना हुई। घटना हुआ 1 बजे रात में, हुड़पा तोड़ करके लड़का घुस गया। घुस करके सुतल थी वो मारुति कुमारी और उसका नानी भी सुतल थी एक चौकी में। लड़की को डाल दिया, जब लड़की को डाल दिया पेट्रोल तो लड़की उठी अनमनाते, तब तक माचिस फेंक दिया। तब लड़की मोबाइल टॉर्च बार को देखा तो राजेश कुमार को देखा। अच्छा, राजेश कुमार कौन? वही जो लड़का पेट्रोल डाला, वही लड़का राजेश कुमार था। तो देखा, तब तक तो ये चिल्लाने लगी, लड़का भाग गया निकल करके। तब तो लड़की तो अपना जल गया, पूरा भीतर जल गया, जीभ जल गया, पूरा जीभ मुंह में डाल दिया, मुंह में भी पेट्रोल डाल दिया, पूरा शरीर में भी पेट्रोल डाल दिया। तो रात के समय में आप लोग हल्ला नहीं, घर के परिवार के लोग हल्ला नहीं मचा? नहीं, नानी हालांकि तब गांव के आदमी उठा। हम लोग दूसरे गांव का, हम तो जमा प्रखंड का है। अच्छा। तो हम लोग का रिलेशन है, रिलेशन में हम लोग सदर हॉस्पिटल गए साथ देने के लिए, साथ देने के लिए हम लोग समाजी सेवा करने के लिए हम यहां पे आए रांची में। उसके बाद सहायता सबको कर रहा हमारे। इसके लिए आप लोग वहां पुलिस उलिस को बोले? हाँ, मारुति कुमारी पुलिस को बोला, पुलिस को बयान दिया, मजिस्ट्रेट को बयान दिया कि हमको 4 दिन पहले धमकी दिया लड़का, हम सिलिया सेंटर का। कब से ये लोग एक दूसरे को जानते? कौन? मारुति कुमारी और राजेश। उन लोग का उसका मसी घर था वहाँ पे, राजेश कुमार का गांव में, लड़की का उससे वो लोग जान रहा। तो लड़की सिलिया सेंटर कर रही, मैं इंटर पास करके सिलिया सेंटर की रोजी रोटी के लिए सिलिया सेंटर कर रही। तो वहाँ पे गया राजेश राउत जड़मुंडी में और बोला कि जैसे दुमका में वो लड़की को, दुमका वाली लड़की को पेट्रोल छिड़को जिंदा जलाया, ऐसी तुमको भी जिंदा जलाएंगे। तो वो बोला, लड़की बोला कि यहाँ लड़की हमको व्यायाम दिया रास्ते में, वही बता रहे हैं हम, लड़की के व्यायाम में हम बोल रहे हैं, हम सुने नहीं, लड़की के व्यायाम में हम बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ देखिए, अंकिता के परिजनों की आंसू अभी तक सूखा नहीं कि दूसरा मामला बेटी को जला देने का सामने आया है। इस समय मारुति कुमारी जिनको पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया गया, उनकी माँ अभी यहाँ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं अब भी इनके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर उनकी बेटी कैसे छोड़कर चले गई। दीदी थोड़ा सा ऊपर, क्या हुआ था, आपको कोई जानकारी है? आप माँ हैं, अपनी बेटी की माँ हैं आप, अब क्या चाहते हैं सरकार से, प्रशासन से, कुछ कहना चाहेंगे आप? फांसी का सजा। बोलिए सरकार को, बताइए आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं अब आप? फांसी, हमरा बेटी जरंग जला लो, जरंग जला दे। इन आँखों के आंसू, इन आँखों के, इन माथे के शिकन को आप देख सकते हैं। दुमका, उप राजधानी दुमका, जहां बेटियों पर अत्याचार लगातार जारी है। सिर्फ दुमका की बात नहीं करेंगे हम, पूरे झारखंड की बात करेंगे, जहां सरकार सम्मान और सुरक्षा की बात करती है बेटियों के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारों के साथ बड़ी बड़ी बातें होती है, उसी झारखंड में इस तरह के मामले। आप कौन हुए? बड़ी मामी। क्या हुआ था ये पूरा मामला? वही पर मिला, मैंने 1 बजे रात का मैंने पेट्रोल डाल के माचिस घर दे। हाँ, तो ऐसे मामले में आप लोगों ने शिकायत की पुलिस को, कभी किसी को खबर की थी? नहीं, लड़की बतावे ना कर लो के तो, हाँ रास्ता हम बता लो। अब क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? हाँ,
हम लोग चाहेंगे भैया यही, हम लोग का देखिए अभी तो बीच बचाने के, बीच बचा करने के लिए सबू को आया यहाँ पे सरकार, जो सरकार का आदमी आया, जा कर के विधायक आया, जाके कृषि मंत्री भी आदमी आया यहाँ बीच बचा करने के लिए। वो लोग को तो हम क्या दोष देंगे, वो लोग तो बचाने के लिए आया। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से या स्वास्थ्य मंत्री पहुँचे यहाँ? हाँ नहीं, कृषि मंत्री का आदमी पहुँचा, वो दुमका में है, यहाँ पे नहीं है। तो ये सब तो बीच बचा करने के लिए सबको आया, सब मदद किया, सब मदद कर रहा, बचाने के लिए सब मदद कर रहा कि हम जहाँ ले जाना होगा, दिल्ली लगना होगा। यहाँ कहना गलत नहीं होगा कि जीते जी कभी पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। अब जब बेटी रही नहीं, आप उसके मामा हैं, क्या कहेंगे इस तरह की घटना को लेकर? देखो सर, मेरे कहने का मतलब यही है कि देखो मेरा भंजी था, हाँ भगनी था मेरा, किस तरह से मैं पढ़ाए लिखाए उसको, इंटर पास किए हैं और अभी सिलाई मशीन सिखा रहे थे वहाँ पर जरमुंडी में, हाँ बिजनेस करने के लिए। अब मेरे को सरकार से यही निवेदन है कि आप नहीं फांसी की सजा देते हैं तो मेरे पास उसको सबका हवाले कर दीजिए, हम लोग समझ जाएंगे क्या करना और नहीं करना। मेरा भगनी ही नहीं रहा इस दुनिया में तो क्या हम लोग भी नहीं रहेंगे, उसको ख़त्मे कर देंगे अंत। बिल्कुल, तो झारखंड के दुमका में इस तरह का मामला अपने आप में सभ्य समाज को शर्मसार करता है कि एक के बाद एक ऐसी घटना आखिर क्यों, सरकार या सरकारी सिस्टम आखिर लापरवाह क्यों, बेटियों की सुरक्षा और सम्मान की बात करने वाली सरकार आखिर चुप क्यों। ऐसे कई सवाल लोगों के मन में हैं जिसका जवाब देना सरकार के लिए अनिवार्य माना जा रहा है। ज़रूरत है सरकार और विभाग को इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की ताकि झारखंड में बढ़ रहे अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।